हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजना चौधरी और आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है एयर इंडिया एक्सप्रेस के ऊपर, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस हायर कर रही है कैंडिडेट्स को फॉर द कैबिन क्रू प्रोफाइल। लेकिन ये वैकेंसी सिर्फ लड़कियों के लिए है, यानी कि जो वैकेंसी उन्होंने निकाली है उसमें सिर्फ लड़कियाँ ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अभी नहीं पता तो मेरा नाम है संजना चौधरी और मैं एक कैबिन अटेंडेंट हूँ। ये इस चैनल का नाम है फ्लाई विद संजना, जिसमें कि मैं बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ कैबिन क्रू से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, अभी कभी ब्लॉग्स भी डाल लेती हूँ। मैं ये वीडियोस क्यों बनाती हूँ, तो मैं ये सारी वीडियोस इसलिए बनाती हूँ कि अगर किसी को भी मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हो सके, जिससे कि कैसे कैबिन क्रू को ज्वाइन करना है, क्या जॉब होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके बाद क्या जॉब होती है, इंटरव्यूज़ कैसे क्लियर करने, ये सारी ओवरऑल में वीडियोज़ बनाती हूँ। सो आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ भी इंफॉर्मेटिव है सो यू कैन जस्ट शेयर माई चैनल किसी को ज़रूरत पड़े तो। आज की जो वीडियो होने वाली है एयर इंडिया एक्सप्रेस के ऊपर होने वाली है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस है क्या चीज़। एयर इंडिया एक्सप्रेस एक डोमेस्टिक एयरलाइन है, ठीक है, इट्स अ लो कॉस्ट कैरियर और इसकी जो ये सब्सिडियरी है एयर इंडिया की, सो इसकी पेरेंट कंपनी होगी एयर इंडिया। अभी इन लोगों ने क्या किया है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया को मर्ज कर दिया है, तो ये लोग साथ में काम करते हैं। ठीक है, दोनों लो कॉस्ट कैरियर है, तो अभी ये लोग इंटरनेशनल भी फ्लाई करते हैं और डोमेस्टिक भी फ्लाई करते हैं। डन, ये समझ में आ गया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस है क्या चीज़। अभी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि हाइट, वेट, बीएमआई, एवरीथिंग। एयर इंडिया एक्सप्रेस लड़कियों के लिए वैकेंसी है, उसके लिए आपकी हाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो है 157 सेंटीमीटर्स, विच मीन्स 5 फीट एंड 1 इंचेस, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो होती है 12th पास, यानी कि 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अभी बात कर लेते हैं बीएमआई की। सो बीएमआई आपका 18 से 22 के बीच में ही आना चाहिए। बीएमआई के ऊपर एक वीडियो पूरी बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि बीएमआई कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे रेंज होती है, एक नंबर निकल के आता है, तो वो सभी उसमें डिस्कस किया गया है। अभी बात कर लेते हैं एज की। सो इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो है 18 से 27 के बीच। इंडियन नेशनल्स, यानी कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, आपका पासपोर्ट इंडिया का होना चाहिए। क्लियर कॉम्प्लेक्शन, नो विजिबल टैटूज। अब इस बात से क्या मतलब है क्लियर कॉम्प्लेक्शन से, यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं क्लियर कॉम्प्लेक्शन से। सो क्लियर कॉम्प्लेक्शन से यहाँ पे मतलब गोरा होने का नहीं है, क्लियर कॉम्प्लेक्शन का इससे मतलब है कि आपकी एकदम क्लियर स्किन होनी चाहिए, विद नो विजिबल मार्क्स एंड नो विजिबल पिम्पल्स। आपकी स्किन पे कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए या फिर कोई पिम्पल नहीं होने चाहिए, उस लिए वो बोल रहे हैं कि क्लियर कॉम्प्लेक्शन। अभी टैटूज भी नहीं होने चाहिए, टैटूज यहाँ पे लिखा हुआ है कि विजिबल, ठीक है, तो अगर उनकी यूनिफॉर्म यहाँ तक की है तो इसके यहाँ पे टैटू चलेगा, लेकिन इधर नहीं होना चाहिए, जो आपकी यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो विजिबल नहीं होना चाहिए, इतना ही है बस। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज़ें ऐड कर दी है कि डेंटल ब्रेसेस भी नहीं होने चाहिए। टीथ अलाइन करने के लिए डेंटल ब्रेसेस लगाते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे। गुड कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़नी लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको हिंदी आती है या फिर सिर्फ इंग्लिश आती है। इन केस अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है हिंदी इंग्लिश से अलग, तो आपके लिए वो एक बेनिफिट हो जाएगा, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा रिज्यूमे में कुछ अलग से ऐड करने के लिए, बाकी इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे इनके कैबिन क्रू के इंटरव्यू में जाने के लिए। तो एक इन्होंने पूरी लिस्ट दे दी है, उसमें है सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, और जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊँ ओरिजिनल भी होने चाहिए, उनकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड योर अपडेटेड रिज्यूमे। ऐसा नहीं कि पहले कभी रिज्यूमे बनाया था और अब दोबारा से वही रिज्यूमे उठा के जा रहे, नहीं, अपडेटेड रिज्यूमे होना चाहिए, जो जो आपने कर लिया वो सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। उसके साथ ही आपके पास कुछ प्रोफेशनल फ़ोटोज़ होनी चाहिए, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है ना, अब ऐसे फंकी से हेयर स्टाइल में प्लीज़ मत जाइएगा जो भी है लड़कियाँ, ऐसे बाल खुले करके आपने फ़ोटोज़ खिंचा लिए, नहीं, एक अच्छा सा बन बनाइएगा और तभी एकदम प्रोफेशनल फ़ोटो लगना चाहिए कि देख के लगे कि हाँ कैबिन क्रू के आप प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं। तो आप ऐसा कोई फ़ोटोज़ लेके जाइएगा, काफ़ी सारे, लाइक 5-10 चलेंगे, ठीक है, 5-10 फ़ोटोज़ लेके जाइएगा, पासपोर्ट साइज़ इतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप फ़ोटोज़ खिंचाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि 6 चाहिए कि 12 चाहिए, इस तरीके से आप
फॉर्मल कपड़ों में आपके फोटोज होने चाहिए, पासपोर्ट साइज आप वो लेके जाइएगा, आपके 10th की और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, और आपका कोविड सर्टिफिकेट, कोविड की जो आपने वैक्सीन लगवाई होगी ना उसका जो आपके पास सर्टिफिकेट आया होगा वो आपको सर्टिफिकेट रखना होगा। फोटो एक बड़ी सी फाइल हो जाएगी, ठीक है, जो एकदम फोल्डर आता है ना ब्लैक कलर का, ऐसा कुछ ब्लैक ही लीजिएगा। वो जो पॉलिथीन वाले रहते हैं ना वो थोड़ा वो मत लेके जाएगा, आप थोड़ा अवॉइड करना उसको, ठीक है। एक ब्लैक कलर का नॉर्मल फोल्डर आता है, उसमें आप सारी चीज़ें रख लीजिएगा, ठीक। और उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड योर रेज्यूमे, ये फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें आप रखिएगा, ठीक है। और एक अलग से पेन भी रखिएगा, ठीक है। एक पेपर रखिएगा, ब्लैंक पेपर, मान लीजिए कि आपको कुछ लिखना पड़ जाए। अभी इन लोगों ने जो वैकेंसी निकाली है इसका मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप वो डायरेक्ट उनकी वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे नीचे करते करते आपको ये सारी पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स का आएगा, उसके बाद आएगा अप्लाई नाउ करके। तो वो जो फॉर्म होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो फॉर्म फिल करने के बाद 60 मिनट के अंदर अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और सारा एड्रेस भी मिलेगा, उसमें आपको मेल आ जाएगी, ठीक है। तो वो आप संभाल के रखिएगा, आपको वो काम आएगा, ठीक है। और ये इंटरव्यू होने वाला है गुड़गांव में, तो आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप इसको अप्लाई कर दीजिए और जल्दी से जल्दी आप इंटरव्यू के लिए जाइए। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको लगता है दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर समवन, सो यू कैन शेयर इट विद देम ऑल्सो, विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट, ओके। शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो मेरी वीडियो को, और अब सभी का ही चैनल है तो हम लोग साथ में ग्रो होते हैं, तो इसलिए 8000 हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच 8000 सब्सक्राइबर करने के लिए। अभी जल्दी से जल्दी आप 10,000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए सो दैट हम लोग सेलिब्रेट कर पाएँ। उसी दिन केक लेके आऊँगी, ठीक है, उससे पहले नहीं लेके आऊँगी केक। तो आप जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। ऑलराइट, और टिल देन टेक केयर, बाय एंड लिसन, ऑल द बेस्ट, आई नो यू कैन डू इट। बस थोड़ा सा एक काम करना, कॉन्फिडेंस से जाना, और हाँ एक चीज़ तो बिल्कुल ही मत भूल जाना, क्या चीज़ थी, स्माइल, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए जब भी जाओगे स्माइल करते हुए जाना, और कुछ खा के जाना, कुछ लेके जाना खाने पीने का, वाटर बॉटल लेके जाना, और कोई भी दिक्कत हो मेरे को मैसेज कर देना, आई विल बी देयर। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे।